ओनली 5000 खर्चे किया है। 5000 मतलब 5000 रुपीज में गाइस हमने ये बाइक जो है पूरी रिस्टोर कर दी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हमने जो स्प्लेंडर बाइक जो है रिस्टोरेशन किए है, Y2K मॉडल जो 1998 मॉडल है उसे हमने कैसे जो है रिस्टोर किया है, कैसे उसे रिपेंट किया है और कितने बजट में हमें उसे रिपेंट करना पड़ा गाइस। तो ये जो है हमारा सबसे लो बजट रिस्टोरेशन वीडियो है जिसमें आपको मैं वीडियो में दिखा हुआ कि बाइक जो है हमने कैसे रिस्टोरेशन किया है और कैसे रिपेंटेड की है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो, उससे पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी गाइस मैं आपको दिखाऊंगा हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्लस मॉडल जिसको जो है हमने रिस्टोर किया है और रिपेंटेड किया है। तो गाइस ये सबसे लो बजट रिस्टोरेशन हमने हमारे शॉप पे किया है। तो एक बार आपको लुक दिखा देता हूँ, टैंक का फिनिशिंग कैसे आया है और गाड़ी जो है हमें कैसे देखने मिलती है। तो फ्रंट वाइजर जो है कलर किया है, रेडियम भी पूरा न्यू है, फ्रंट स्पोक्स, फ्रंट ड्रम, फ्रंट शॉकर सब कलर किया है हमने इसमें, पूरा गाड़ी टोटली रिपेंटेड है। बजट का जो है अकॉर्डिंग हमने इसको रिपेंट किया है गाइस। तो अभी एक बार आपको दिखा देते हो रियर टेल लैंप असेंबली कैसे जो है देखने मिल रहा है, फुली फिनिश के साथ सुपर कोटेड हमने इसमें किया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेल लैंप कैसा न्यू दिख रहा है, उसके बाद लेफ्ट साइड व्यू भी दिखा देता हूँ गाइस। तो देखिए कैसा व्यू जो है हमें देखने मिलता है। तो इसका एक बार फिनिशिंग देख लीजिए, इसका चेन कवर से लेके मशीन भी हमने रिपेंट किया है। तो इसमें मोनोग्राम स्टिकर सब जो है गाइस हमने इसमें न्यू इंस्टॉल किए हैं, पर कस्टमर का बजट कम होने के कारण हमें जो है कुछ कुछ पार्ट जो है ऐसे जो है हमें ओल्ड ही यूज़ करने पड़े जिसको हमने रिफर्बिश और रिपेयर करके इसमें इंस्टॉल किया है। पर अगर आप बाइक फिजिकली देखते हैं तो बाइक हमें जो है टोटली न्यू और शाइनी लुक में दिखाई मिलती है। तो मीटर का जो है ग्लास इसमें न्यू इंस्टॉल किया है, उसके बाद जो गाइस इसका मशीन जो है टोटली हमने रिपेंटेड किया है। और एक बार मैं आपको लुक दिखा देता हूँ कैसे जो है हमें बाइक देखने मिलती है। तो एक बार जो गाइस आपको मैं इसको फ्रंट लुक दिखा देता हूँ कि कैसे जो है हमने इसमें वर्क किया है और कैसे इसे लो बजट रखा है। लो बजट रख के भी गाइस हमने इसमें कैसे जो है हमारी इम्प्रूवमेंट की है और क्वालिटी वर्क आपको देखने मिलता है। तो एक बार मैं आपको कैमरा फ्रंट में लेके जाके दिखा देता हूँ कि कैसे जो है इंजन के फ्रंट में आपको देखने मिलता है। तो एक बार टैंक का लुक देख लीजिए, उसके बाद जो है मशीन कलरिंग कैसे हमने की है देख लीजिए। तो इसको हमने जो है मशीन भी क्लियरली वर्क किया है, मशीन जो है क्लियरली पेंटेड किया है और ओवरऑल जो है वर्क इसमें हमने बजट के कारण जो है गाइस इसमें कम रखा है। तो अगर आपको भी बाइक अगर रिस्टोरेशन करना है, इंस्टाग्राम पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए और जो है गाइज आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी बाइक रिस्टोरेशन करनी है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो अभी बात करते हैं गाइज कि कैसे जो है हमने उसे रिस्टोरेशन किया है, पूरी बाइक स्टार्ट से लेके एंड तक अपर जो है रिपेंट की गई है, टैंक पैनल कुछ जो आपको जो शो आइटम दिख रहे हैं वो सब हमने रिपेंट किए हैं, फुल्ली फिनिशिंग के साथ उसको जो है हमने रिस्टोर किया है और रिपेंट किया है गाइज। तो अब बात कर लेते हैं इसके रिस्टोरेशन वैल्यू के बारे में। तो हमने इसमें गाइज ओनली 5000 खर्चे किया है, 5000 मतलब 5000 रुपीज में गाइज हमने ये बाइक जो है पूरी रिस्टोर कर दी है, जिससे ये बाइक में जान आ चुकी है और ये बाइक जो है नई जैसी दिखने लगी है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारी बाइक जो है रिस्टोरेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वॉच वीडियो गाइज, टिल वेट माई नेक्स्ट वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज।